हेलो फ्रेंड्स, इजी एडिटिंग के नए ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। इजी एडिटिंग के इस ट्यूटोरियल पे हम बात करेंगे की फ्रेम के ऊपर। की फ्रेम प्रीमियम प्रो में किस तरह से यूज किए जाते हैं। की फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एडिटिंग का। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि अगर आप इससे सीख गए तो एडिटिंग का बहुत बड़ा हिस्सा सीख जाएंगे। की फ्रेम को हम कैसे यूज करते हैं ये सीखना बहुत जरूरी है। चलो आइए हम यहाँ पे कुछ फुटेज डालते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कुछ फुटेज मैंने इस पे डाल दी है। आवाज म्यूट कर देता हूं। ये देखिए 3 फुटेज मैंने डाली है। अब आप इसको सबसे पहले इफेक्ट्स पे जाइए। यहाँ पे आपको इफेक्ट मिलेगा। इफेक्ट्स पे जाइए, आपको आप किसी भी इफेक्ट पे, ऑलमोस्ट किसी भी इफेक्ट पे की फ्रेम यूज कर सकते हैं। आपने मेरे इफेक्ट्स पे ट्यूटोरियल दिखा होगा, मैं आज आपको की फ्रेम बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। साइज देखिए, आप सबसे पहले यहाँ जाइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये किस तरह से उड़ रहा है। आप इसका साइज चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको बड़ा कर सकते हैं। बड़ा करने पे अगर आप देखें, आपको मैं एक बात बता दूं, आपने देखा यहाँ पे कुछ साइज में चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने इस वाली फुटेज को सिलेक्ट कर रखी है। मैंने जानबूझ के किया था। मैं आप यहाँ पे आप जाइए, देखिए उस फुटेज पे जाइए। ये देखिए कितना हद तक जूम हो चुका है। अब इसको आप कम कीजिए। ये देखिए इस तरह से 100 पे ये फिट रहता है स्क्रीन पे, उसके आगे पीछे चेंज होता है। तो इसी तरह आप जाइए। अब आप इस पे जाइए, यहाँ पे आप देखिए साइज में जाइए, साइज चेंज कीजिए। ये बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसी पे आपका की फ्रेम बाद में डिपेंड होगा। साइड करना चाहें तो आप इस तरह से साइड कर सकते हैं इसको। इसका बेस्ट है डिफॉल्ट वाला 640 और यहाँ पे देखिए 360। ये आपकी वीडियो के हिसाब से चेंज होगा। सब वीडियो का अलग अलग भी हो सकता है। 960 और 540 पे हम मैक्सिमम यूट्यूब पे डालने वाली वीडियो होती हैं। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। और ओपेसिटी पे अगर आप जाएं, ओपेसिटी पे क्लिक कीजिए, यहाँ से आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। मैं अगर एक वीडियो के पीछे ये रखूँ तो आप यहाँ देखिए ये वीडियो है, इसकी ओपेसिटी अगर मैं चेंज कर दूँ, अगर इसकी ओपेसिटी कम कर दूं, ये देखिए किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि वाटरफॉल पे बर्ड जो है फ्लाई कर रही है। आपको दिखाई दिया, लेकिन अब आप देखें आप जाते ही पुरानी जाती ही अचानक से जर्क आया और ये इस तरह से खराब हो गया। ये सब चीजें हम की फ्रेम से ठीक कर सकते हैं। मैं आपको ही बताने जा रहा हूँ अपनी इस वीडियो पे। देखिए आप सबसे पहले अगर आपको की फ्रेम चाहिए तो आपको यहाँ पे आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टॉपवॉच बनाएगा। ये सब की फ्रेम्स के लिए हैं। जिस जिस चीज में आपको स्टॉपवॉच बनी नजर आएंगी वहां पे आप की फ्रेम सेट कर सकते हैं। ये देखिए सब चीजों पे की फ्रेम सेट किया जा सकता है। आपको दिख रहा है यहाँ पे इन सब चीजों पे की फ्रेम सेट किया जा सकता है। लेकिन की फ्रेम को एक्टिव करने के लिए आपको पहले स्टॉपवॉच पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने स्टॉपवॉच पे क्लिक किया, की फ्रेम एक्टिव हो गया और मैंने उसको स्टॉपवॉच पे वापस क्लिक करके रिमूव कर दिया। स्केल पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका स्केल दिखाई दे रहा होगा आपको। आपको उस वाले पे शायद समझ ना आए, मैं पहले बर्ड वाली क्लिक कर लेता हूँ। बर्ड वाले के स्केल पे आपको जज करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसका स्केल इतना है और यहाँ पे इसका स्केल बढ़ा देता हूँ। ये देखिए आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि स्केल में किस तरह से चेंजेस आ रहा है, जूम से जूम आउट होते जा रहा है। आप अगर यहाँ पे देखें स्टार्टिंग पे पहला की फ्रेम है यहाँ पे 300 के साइज पे और लास्ट की फ्रेम है 100 के साइज पे। तो किस तरह से मतलब 300 से लेके 100 पे धीरे धीरे स्लोली जाया जा रहा है। आप इसके चेंजेस और समझना चाहे तो मैं आपको जर्क के साथ दिखाता हूँ ताकि आप समझ जाए उसको। यहाँ पे इसका की फ्रेम 300 है तो यहाँ पे मैं सीधा 100 कर देता हूँ, फिर वापिस इसका की फ्रेम बढ़ा देता हूँ, वापिस इसका की फ्रेम कम कर देता हूँ। अभी आपको समझ आएगा कि किस तरह से की फ्रेम यूज हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए
और ये देखिए किस तरह से जूम इन जूम आउट हुआ है, ये सब की फ्रेम से हुआ है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कीजिए, मैंने इसको जरा रैंडमली कर दिया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, किस तरह से दूर और पास जा रहा है, जूम इन जूम आउट। स्केल को हम बड़ा छोटा कर रहे हैं और जूम इन जूम आउट का काम कर रहा है, वो भी की फ्रेम के साथ। जहाँ पे हम जूम जितना चाहते हैं वहाँ उतना जूम कर रहे हैं, और जहाँ पे जूम नहीं चाहते उसको हटा रहे हैं। कितना सिंपल सी चीज है और कितनी ब्यूटीफुल कर दे रही है। अगर आप यहाँ पे देखें ओपेसिटी पे, हम इसके आए ओपेसिटी पे भी की फ्रेम लगाया जा सकता है। आप इसकी, मैंने क्लिप को सिलेक्ट किया, आप इसकी ओपेसिटी देखिए। सबसे पहले ओपेसिटी पे मैं अपना ऑन कर देता हूँ की फ्रेम्स। अब यहाँ पे आपकी ओपेसिटी है 36, आप चाहते हैं यहाँ तक आते आपकी ओपेसिटी यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे आपकी ओपेसिटी 100 हो जाए। आप देखिए यहाँ पे आपकी ओपेसिटी कम है, यहाँ पे आपकी ओपेसिटी 100 हो गई है। आप इसको, आपको लग रहा है कि यहाँ पे देखिए इतना गैप है, इतने के बीच पे आपकी ओपेसिटी चेंज हो रही थी जो साफ नजर आ रही थी। आप इतने गैप को कम करने के लिए इसको और क्लोज कर लीजिए, और क्लोज कर लिया। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप यहाँ से जूम इन जूम आउट करके इसको और क्लोज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इसको और क्लोज कर लिया मैंने। अब देखिए आप यहाँ पे, वो क्लिप खत्म हुई और दूसरे का 100% ओपेसिटी हो गया दूसरी क्लिप का। यहाँ पे इस तरह से लगा कि बर्ड उसके अंदर ही चलेगी। ये देखिए इस तरह से आपने ओपेसिटी और की फ्रेम्स का यूज किया। अब मैं आपको एक प्रीसेट के बारे में बताता हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। एक इफेक्ट बताता हूँ आपको मैं, यहाँ पे हम वीडियो इफेक्ट पे जाएं और इस पे जाएं, तो लेंस फ्लावर करके इफेक्ट है, आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। मैं इसको इस वीडियो पे पुट करता हूँ, इस वीडियो पे आपको ज्यादा नजर आएगा क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल वीडियो स्टॉक फुटेज है, आपको इस पे ज्यादा पता चलेगा। आपको दिख रहा है यहां से एक वो आ रहा है, सनलाइट आ रही है और ऊपर से लीव्स जो है इसके गिर रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप अगर इसको वो कीजिए यहां से देखिए, ये 100% ब्राइटनेस है। ये देखिए आपको वीडियो में एक स्पार्क दिखाई दे रहा होगा, सनलाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है जैसे, इस तरह का वो स्पार्क है आपको दिखाई दिया। आप इसको आप मूव करा सकते हैं की फ्रेम के जरिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं इधर की फ्रेम्स लगा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इतना है, आप चाहते हैं यहाँ पे कहीं और हो, ये देखिए इस तरह से, और बीच में अगर आप चाहें कहीं और हो, आप अपने हिसाब से इसका की फ्रेम सेट कीजिए। ये देखिए अब आप इसको अगर प्ले करके देखेंगे तो देखिएगा, देखिए किस तरह से आपका वो मूव हो रहा है और कितना खूबसूरत बना रहा है वीडियो को। आपके ओरिजिनल वीडियो पे अगर मान लीजिए ये हो तो कितना बेहतर लगेगा, आप खुद समझ सकते हैं इस बात को। देखिए मूव हो रहा है, वो मूव हो रहा है सिर्फ की फ्रेम की वजह से, और कोई वजह नहीं है जो आपने की फ्रेम सेट किए। तो आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ, की फ्रेम सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप की फ्रेम सेट करना सीख गए तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, और यही आप चीज मोशन पे भी कर सकते हैं। आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे आप स्टार्टिंग पे अगर जाएं तो आपको देखिए बर्ड आपको दिख नहीं रही है, तो आप उसका की फ्रेम सेट कर सकते हैं, उसको स्क्रीन के अंदर लाके उसका की फ्रेम सेट कर दीजिए। यहाँ पे स्क्रीन के अंदर है, अब आगे जाके बर्ड आपकी जा रही है आगे को, और यहाँ पे आपका वीडियो देखिए इधर पे, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आपका वो हो गया है और ब्लैक साइड आ गई है, तो आप इसको यहाँ से ऐसे चेंज कर दीजिए। देखिए अब आप इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक का की फ्रेम अगर आप देखें, बर्ड भी आपकी दिख रही है और आपकी वीडियो में जो चेंजेस आए हैं वो भी आपको पकड़ में नहीं आ रहे, उसके आगे पकड़ में आ रहे होंगे, उसके आगे के लिए आपको अलग से की फ्रेम लगाने पड़ेंगे। आप इस पर भी जाके की फ्रेम लगा दीजिए, ये देखिए। अब अगर आप देखें आपको एक जगह ब्लैक बार नजर आएगा, आपको उसके लिए भी अलग से की फ्रेम लगाना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, इस की फ्रेम को इसके ऊपर ले आता हूँ, जो पुराना वाला की फ्रेम है। आप यहाँ पे देखिए साइज 100% है यहाँ पे, तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं क्योंकि साइज यहाँ चेंज हो रहा है। इस तरह से आप की फ्रेम को डीपली समझ जाएंगे, और यहाँ पे मैं इसमें ये देखिए अभी आपको कोई भी बार नहीं दिखाई देगा,
देखा आपने छोटा सा दर्द दिखाई दिया क्योंकि इसके और इसके डिस्टेंस में अभी भी थोड़ा सा चेंज होगा। ये देखिए इसको मैंने जूम किया तब पता चला इसके और इसके डिस्टेंस में चेंज है थोड़ा सा अब, लेकिन आप गारंटेड कुछ नहीं दिखाई देगा। अगर आप इसको प्ले कीजिए, देखिए ये रिमूव भी नहीं हुआ, मतलब वर्ल्ड स्क्रीन आउट भी नहीं हुई और किस तरह से आपने की फ्रेम सेट किया। तो इस तरह से आप की फ्रेम सेट कर सकते हैं। की फ्रेम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, अगर आप इसको जान गए तो काफी कुछ जान गए मेरा यकीन कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अगर आप पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हमारी इस वीडियो में इतना ही। की फ्रेम आपको जनरली इंटरनेट पे नहीं मिलता उतनी आसानी से, आपको इसको सीखा आपने मेरे को बहुत खुशी हुई। और हमारे आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। हमारी इस वीडियो पे फिलहाल इतना ही।